हाँ शांत। हेलो, वंस अगेन वेलकम। हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम यू ऑल ऑन आवर फेवरेट अन एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है, टुडे आई ब्रॉट अ न्यू टॉपिक फॉर यू फ्रॉम द सिलेबस ऑफ 11th स्टैंडर्ड एंड इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यूर नीट एग्जाम एज वेल एज द वन चैप्टर इज रिलेटेड विद दिस टॉपिक फ्रॉम द सिलेबस ऑफ 12th स्टैंडर्ड, दैट इज रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम यू ऑल ऑन द ब्यूटिफुल प्लेटफॉर्म और ऑन द नंबर वन लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म from all over the India, that is an academy. Come and join with an academy for the preparation of your HSC board exam as well as your MST CET and NEET and JEE 2021 and 2022. First I'll introduce myself, thoda sa introduction de dao mera. So see here, myself Kiran Suresh Kolte, I am working as an educator of biology on an academy. I completed MSc BEd from the Pune University. And from the last 13 years, I am teaching biology. Both the papers I am taking, biology, botany and zoology. So, today's topic is circulation in and join with an academy to crack the MSc CET and HSC board exam 2021 and 2022. And while taking a plus subscription, use this referral code. For more details, see the description box given along with this video. Satyam Tiwari, welcome. अरे नाइस सत्यम, कॉन्ग्रेचुलेशन सत्यम। सत्यम इज अवर एक स्टूडेंट, तो ही सेइंग दैट ही गॉट 96 परसेंटाइल। हाउ मच यू गॉट इन बायो? चलो, तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट आई हैव टू टेल यू सम थिंग्स ऑलरेडी ऑन दिस अन एकेडमी द प्लस लेक्चर्स हैज गेट स्टार्टेड। प्लस लेक्चर्स चालू हो चुके हैं एंड दीज अ प्लस लेक्चर, ये जो चालू है इसमें हम डिटेल सिलेबस सिखाते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एच एस सी बोर्ड एंड एम एस टी सी टी अलॉन्ग विथ नीट एंड जे डबल ई। तो ऑलरेडी द बैचेस हैज गेट स्टार्टेड, बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट झाले फ्रॉम द 5th ऑफ ऑक्टोबर। तो कम एंड जॉइन फॉर अवर बैचेस। तो ऑन दिस अन अकेडमी हिंदी बैचेस, मराठी बैचेस, इंग्लिश बैचेस, ऑल बैचेस आर अवेलेबल। तो प्लस सब्सक्रिप्शन लेना क्यों जरूरी है? तो वॉट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन? तो प्लस सब्सक्रिप्शन इज कमिंग इन अफोर्डेबल प्राइस। कोणत्याही प्रायव्हेट ट्यूशन पेक्षा तुम्हाला प्लस सब्सक्रिप्शन हे खूप कमी किमतीत मिळत आहे आणि या प्लस सब्सक्रिप्शन मुळे तुम्ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथ्स, बायोचे लेक्चर घरी बसून पाहू शकता पूर्ण सिलेबस। तर लाईव्ह लेक्चर्स तुम्ही अटेंड करू शकता, लाईव्ह डाऊट क्लिअरिंग सेशन जेथे तुम्ही तुमचे डाऊट्स तुमच्या शिक्षकांना विचारू शकता अँड यू आर गेटिंग अनलिमिटेड ऍक्सेस। व्हॉट एव्हर लेक्चर्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथ्स, बायो आर अवेलेबल ऑन अन अकॅडमी प्लॅटफॉर्म, त्याचं तुम्हाला अनलिमिटेड ऍक्सेस मिळतं आहे। कशामुळे? आफ्टर टेकिंग अ प्लस सबस्क्रिप्शन। तर जर तुम्हाला प्लस सबस्क्रिप्शन घ्यायचं असेल तर सी द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सी द डिस्क्रिप्शन बॉक्स विच इज अ गिवन अलॉंग विथ दिस व्हिडिओ। तो डोंट फॉरगेट टू सबस्क्राईब, लाईक अँड शेअर अवर टुडेज लेक्चर। तो अन अकॅडमी ब्रॉट टू प्लॅन्स फॉर यू फॉर टेकिंग अ प्लस सबस्क्रिप्शन। तो वन प्लॅन 6 मंथ प्लॅन इज कमिंग इन 12,150 आणि दुसरा जो प्लॅन आहे 12 महिन्याचा तो येतोय 14,850। बघा 12,150 आणि 14,850 बाहेर तुम्ही गेल्यानंतर क्लासची फी 40,000 ते 50,000 आणि एका विषयाला एक शिक्षक। हिअर ऑन अन अकॅडमी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथ्स, बायो हर एक सब्जेक्ट के लिए यू आर गेटिंग अ लेक्चर्स फ्रॉम द वेल नोन रेप्युटेड नंबर वन फॅकल्टीज फ्रॉम ऑल ओव्हर द इंडिया। हर एक सब्जेक्ट के लिए अनलिमिटेड ऍक्सेस and for each and every subject you are getting 3 to 4 faculties. So each Monday we are starting a new batches, so come and join an academy by taking a plus subscription. And for these two plans an academy is providing you the EMI facility also. Chalo, so along with this an academy also started the test series. So ya test series madhe jar tumhi pariksha dili to kay milnar tumhala? You will get up 25 lakh rupees of scholarship. तर 25 लाख स्कॉलरशिप जिंकण्याची संधी अन अकॅडमी तुम्हाला दिलेली आहे अँड दिस टेस्ट सिरीज इज टोटली फ्री। सिर्फ क्या करणार आहे? यू हॅव टू एनरोल, डाउनलोड करायचे अन अकॅडमी लर्नर ॲप आणि त्यानंतर टेस्ट टॅब प्रेस करायची आहे, एनरोल करायचे,
सिलेक्ट करायची आहे आणि ती लाईव्ह टेस्ट अपियर करायची आहे. इफ यू स्कोर अ गुड मार्क देन यू विल गेट अ 25 lakh rupees ऑफ स्कॉलरशिप. तो विन दिस स्कॉलरशिप बाय यूजिंग दिस टेस्ट सीरीज विच इज रनिंग ऑन अन अकॅडमी. चलो तो उसके बाद अन अकॅडमी ऑल्सो स्टार्टेड द प्रॅक्टिस टेस्ट सीरीज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ MSTCET 2021 and 2022. So enroll this practice test series is also totally free. Enroll this test series. Sagalya important link ya description box madhe tumhala pahayla milte. 1 minute. Chalo sorry. So now aaj ka topic hai circulatory system in cockroach. तो सर्कुलेटरी सिस्टम इन कॉकरोच क्या है देखो. तो सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट 3 main parts. कौन कौन है? ब्लड है, हीमोसील है एंड हार्ट है. बिफोर गोइंग टू दैट और बिफोर गोइंग टू डिस्कस ऑन दैट टॉपिक वी डिस्कस ऑन द टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट इन द कॉकरोच. कॉकरोच जो है वो क्या है? इट इज फ्रॉम द फाइलम आर्थ्रोपोडा. तो आर्थ्रोपोडा में क्या इंक्लूड है? इंसेक्ट. तो ऑल इंसेक्ट्स अलोंग विथ इंसेक्ट्स सम मोल्यूस्क में क्या क्या मोल्यूस्क में आएंगे? स्नेल, एप्पल स्नेल वगैरह वगैरह. एग्जाम और क्या आएंगे? सम क्रस्टेशियंस, प्रॉन्स लॉबस्टर. तो प्रॉन्स लॉबस्टर सम मोल्यूस एंड ऑल इंसेक्ट्स दे आर शोइंग द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. वो क्या दिखाते? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाते. तो वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम? बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. क्या है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज. तो सर्कुलेटरी सिस्टम आर ऑफ टू टाइप्स, ओपन एंड सेकेंड क्या है? क्लोज है. तो इन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड इज अ फ्लोइंग थ्रू द ओपन स्पेसेस. ब्लड कुठून वाहते? ओपन स्पेसेस, दोज हु आर प्रेजेंट इन बिटवीन द टिश्यू. तो बॉडी में जो टिश्यू में जो स्पेसेस है उसमें से ब्लड फ्लो रहा है. हियर द ब्लड वेसल्स आर ऑल टुगेदर एबसेंट. ब्लड वेसल्स का है? ब्लड वेसल्स आर ऑल टुगेदर एबसेंट. ब्लड इज नॉट फ्लोइंग थ्रू द ब्लड वेसल. वाई? बिकॉज दे आर एबसेंट. तो ब्लड किधर से फ्लो रहा है? थ्रू द ओपन स्पेसेस. आणि या ज्या काही ओपन स्पेसेस है दे आर कॉल्ड एज वॉट? बॉडी कैविटी और सिलोम. बॉडी कैविटी कहते हैं इसको और नहीं तो क्या कहते हैं? सिलोम कहते हैं. तो मोस्टली इन द लोअर ऑर्गेनिजम्स और लोअर एनिमल्स वी आर गेटिंग ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हियर ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट. ब्लड वेसल्स इधर का है? ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट. तो ब्लड इज फ्लोइंग थ्रू द ब्लड वेसल. फॉर एग्जाम्पल आर्टरी है, वेन है, कैपिलरी है, वेन्यूल है, आर्ट्रियोल है. तो ब्लड इज अ फ्लोइंग थ्रू द ब्लड वेसल. इन अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड इज नेवर कम इन अ कॉन्टेक्ट विद द कम इन अ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द टिश्यू. बट इन अ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड और टिश्यू दोनों के बीच में क्या है? ब्लड एंड टिश्यू दोनों के बीच में क्या है? डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है. दोनों के बीच में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है. तो दिस इज द बेसिक ऑफ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो कॉकरोच में है, जो हमारे सिलेबस में है, कॉकरोच इज अ शोइंग ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. तो द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट 3 main components. कौन कौन से कंपोनेंट है? तो फर्स्ट इज ब्लड. ब्लड ऑफ कॉकरोच इज ऑल्सो कॉल्ड एज हीमोलिम्फ. द ब्लड ऑफ कॉकरोच इज कॉल्ड एज वॉट? हीमोलिम्फ. दूसरा क्या है? हीमोसील. द बॉडी कैविटीज दोज आर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ कॉकरोच दे आर कॉल्ड एज हीमोसील. नाउ व्हाई दे आर कॉल्ड एज हीमोसील? बॉडी कैविटी को हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एज सिलोम. बॉडी कैविटी ला साइंटिफिक टर्म का है? सिलोम है. मैं यहां सिलोम मध्ये का है? The siloam or body cavity is filled with the blood. It is a filled with blood. और blood को हम क्या कह रहे हैं? Blood को हम कह रहे हैं hemolymph. तो hemolymph किसके अंदर है? Body cavity के अंदर है. तो therefore body cavities are called as hemocele. Heme का मतलब क्या है? Heme यानी blood. और seal का मतलब क्या है? Seal का मतलब है body cavity. The body cavities always remain filled with the blood. Therefore it is called as hemocele. थर्ड कंपोनेंट क्या है? द थर्ड कंपोनेंट ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन कॉकरोच दैट इज अ हार्ट. तो हार्ट ऑफ कॉकरोच इज अ ट्यूबुलर. हार्ट कैसे कॉकरोच? ट्यूबुलर.
or tunnel shape or tunnel shape. The heart of cockroach consists 13 tunnel shape chambers. हमारा जो हार्ट है ह्यूमन का हार्ट, हमारे हार्ट में कितने चैम्बर है? चार चैम्बर है. इसमें से दो क्या है? दो है रिसीविंग चैम्बर्स कॉल्ड एज एट्रिया, और दो क्या है? दो एट्रिया और दो क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स कॉल्ड एज वेंट्रिकल. तो ये हमारा हार्ट है. बट कॉकरोच का जो हार्ट है इसमें 13 चैम्बर है. हमारा हार्ट किधर है? वेंट्रल साइड है. कॉकरोच का हार्ट किधर है? कॉकरोच का हार्ट है डॉर्सल साइड में. तो दीज आर द थ्री मेन कंपोनेंट, ब्लड, हीमोसील एंड हार्ट. तो डिटेल में चलेंगे अभी वन बाय वन. तो नॉर्मली इन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? ब्लड वेसल्स एब्सेंट होते हैं. तो ये अगर हार्ट है, दिस इज द डॉर्सल साइड ऑफ बॉडी ऑफ कॉकरोच, और ये कौन सा साइड है? दिस डाउन साइड इज द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी ऑफ कॉकरोच. तो कॉकरोच में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है. ये जो दिखाई दे रहा है ये टनल शेप चेम्बर्स, ये जो लाल कलर में मैं दिखा रहा हूं अभी, तो ये जो लाल कलर के जो चेम्बर्स है ट्यूबुलर, ये जो स्ट्रक्चर है विच इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द डॉर्सल साइड, ये क्या है? हार्ट ऑफ कॉकरोच. तो कॉकरोच के हार्ट में कितने चेंबर है? 13 चेंबर है. एंड दीज आर 13 चेंबर्स आर प्रेजेंट टुवर्ड्स द डॉर्सल साइड. तो कॉकरोच हार्ट इज अ मिड डॉर्सल इन अ पोजिशन. कॉकरोच का हार्ट क्या है? मिड डॉर्सल इन अ पोजिशन. एंड इट इज अ प्रेजेंट बिलो द डॉर्सल काइटिनस कवरिंग, दैट इज कॉल्ड एज टर्गा. तो टर्गा क्या है? डॉर्सल काइटिनस कवरिंग. डॉर्सल काइटिनस कवरिंग च्या खाली आहा काय? हार्ट आहे. तो द हार्ट ऑफ कॉकरोच इज अ मिड डॉर्सल इन पोजिशन एंड इट इज अ प्रेजेंट बिलो द टर्गा. डॉर्सल काइटिनस कवरिंग जे काय आहे ब्राउन कलरचं, दॅट इज कॉल्ड एज टर्गा. दॅट इज कॉल्ड एज व्हॉट? टर्गा. अँड वेंट्रल काइटिनस कवरिंग इज कॉल्ड एज स्टर्ना. इट इज कॉल्ड एज व्हॉट? स्टर्ना. बोथ द टर्गा अँड स्टर्ना, वरचं टर्गा टर्गम, खालचं स्टर्नम. टर्गा आणि स्टर्ना दोन्ही एकत्र जॉईन कशाने झाले? दिस वन इज द टर्गा अँड दिस वन इज द स्टर्ना. बोथ द टर्गा अँड स्टर्ना दे आर जॉईन टुगेदर बाय मीन्स ऑफ एंड प्लुरॉन्स, बाय मीन्स ऑफ एंड प्लुरॉन्स. समझ आ रहा है? तो ये जो हार्ट है ये क्या कर रहा है? ब्लड वेसल तो इसमें नहीं है. द टुवर्ड्स द एंटेरियर साइड ऑफ द फर्स्ट चेंबर, ये जे फर्स्ट चेंबर है, फर्स्ट चेंबरच्या पुढे काय एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, दॅट इज कॉल्ड एज एंटेरियर एरोटा. अ स्मॉल ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट अपेक्स ऑफ फर्स्ट हार्ट चेंबर, दैट इज कॉल्ड एज एंटेरियर एरोटा. तो एंटेरियर एरोटा क्या कर रहा है? एंटेरियर एरोटा इज पंपिंग द ब्लड इन टू द हेड कैविटी. हेड कैविटी मध्य हा का करना है? ब्लड पंप करना है. एंड फ्रॉम द हेड कैविटी द ब्लड इज फ्लोइंग थ्रू द ओपन स्पेसेस दोज आर प्रेजेंट इन द बॉडी कैविटी. तो ओपन स्पेसेस जो है उसको क्या कह रहे हैं हम? हीमोसील कह रहे हैं. ये क्या है? बॉडी कैविटी है. दिस इज द बॉडी कैविटी. मग हे ब्लड बॉडी कैविटी मधून काय होणार आहे? फ्लो होणार आहे इन अ डिफरंट डिफरंट डायरेक्शन. तो ये कैसे फ्लो हो रहा है ये हम सीखेंगे इस लेक्चर में. चलो आगे चलते हैं. तो फर्स्ट कंपोनेंट क्या है? द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच, दैट इज हिमोलिम्फ. हिमोलिम्फला आपण काय म्हटले? ब्लड म्हटले. तो ब्लड ऑफ कॉकरोच इज अ कलरलेस. मेन कंपोनेंट काय असतात ब्लडचे? वन मिनिट, लेट मी टेक द पेपर इरेजर हाइलाइटर. इसमें पेज कैसे लाएगी? ब्लैंक पेज ऐड करना पड़ेगा. चलो लेट इट बी. चलो देखो, द ब्लड ऑफ कॉकरोच, ब्लड ऑफ कॉकरोच इज विदाउट एनी पिगमेंट, हेंस इट इज कलरलेस. जैसे हमारे ब्लड में क्या है? आवर ब्लड इज अ पिगमेंटेड. हमारे ब्लड में क्या है? हीमोग्लोबिन नाम का एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है विच इज अ रेड इन कलर. देयरफॉर ह्यूमन ब्लड क्या है? रेड कलर का है. बट ऐसे पिगमेंट कॉकरोच के ब्लड में नहीं होते हैं. देयरफॉर द ब्लड ऑफ कॉकरोच इज कलरलेस. और इसमें ब्लड में दो कंपोनेंट होते हैं. क्या होता है? प्लाज्मा होता है, और क्या होता है दूसरा? ब्लड सेल्स. तो ब्लड सेल जो है कॉकरोच में, तो ब्लड सेल्स आर ऑफ सेवन टाइप्स. द ब्लड सेल्स दोज आर सेवन टाइप्स दे आर कॉल्ड एज हिपैटोसाइट और हिमैटोसाइट्स. हिमैटोसाइट हीम यानी ब्लड और साइट्स यानी क्या है? सेल्स है. तो ब्लड सेल्स दोज आर प्रेजेंट इन द ब्लड ऑफ कॉकरोच दे आर ऑफ सेवन टाइप्स एंड दे आर नियर अबाउट 30,000 पर ml ऑफ ब्लड. तो ब्लड तो कलरलेस है, तो उसमें जो प्लाज्मा है विच मेनली कंसिस्ट
वॉटर एंड सम डिजोल्व ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड. तो प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा इज ऑल्सो कलरलेस. ब्लड प्लाज्मा ऑफ कॉकरोच इज ऑल्सो कलरलेस. ह्यूमन प्लाज्मा का कलर क्या है? द ह्यूमन प्लाज्मा जो है वो क्या है? इट इज अ स्ट्रॉ येल्लो इन अ कलर. स्ट्रॉ येल्लो कलर का ह्यूमन प्लाज्मा है. तो ह्यूमन ब्लड में क्या है? एच बी है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, उसकी वजह से वो रेड है. और ह्यूमन प्लाज्मा क्या है? स्ट्रॉ येल्लो कलर का है. बट कॉकरोच का जो प्लाज्मा है वो भी क्या है? कलरलेस है. और उसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट ब्लड सेल में नहीं है. देयरफॉर द ब्लड ऑफ कॉकरोच इज कलरलेस. तो प्लाज्मा कंटेन मेजॉरिटी अमाउंट ऑफ वॉटर एंड इन वॉटर द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन अ डिजॉल्व फॉर्म. तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या रहेगा? कैल्शियम रहेगा, फॉस्फेट, सल्फेट एक्सेट्रा. एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या रहेगा? हार्मोन्स रहेंगे, कुछ न्यूट्रिएंट्स रहेंगे, उसमें अमीनो एसिड्स रहेंगे. तो नाइट्रोजन, न्यूट्रिएंट्स एंड अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन द डिजॉल्व फॉर्म इन द ब्लड प्लाज्मा. अलोंग विद दिस द नाइट्रोजनस वेस्ट इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द डिजॉल्व फॉर्म इन द ब्लड प्लाज्मा इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड. तो ये क्या है? ब्लड के बारे में. ब्लड ऑफ कॉकरोच इज कॉल्ड एज हीमोलिम्फ. आगे चलते हैं. तो दिस इज द पिक्चर ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. तो ये जो ह्यूमन कॉकरोच का हार्ट है, इट इज एक्सटेंड फ्रॉम 9th एब्डोमिनल सेगमेंट. इट एक्सटेंड फ्रॉम 9th एब्डोमिनल सेगमेंट अप टू द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ हार्ट वेयर इट ओपन इन टू द हेड रीजन. द फर्स्ट चेंबर ओपन इन टू द हेड रीजन. तो ये है फर्स्ट चेंबर, सेकंड चेंबर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, लाइक दैट 13 चेंबर्स आर प्रेजेंट. हाउ मेनी चेंबर्स आर देयर? 13 चेंबर्स आर प्रेजेंट. एंड दीज 13 चेंबर्स आर रनिंग मिड डॉर्सली. उसका पोजीशन क्या है? मिड डॉर्सल इन पोजीशन. विल कम बैक ऑन दिस पिक्चर आफ्टरवर्ड्स. चलो अभी दूसरा क्या है? हीमोसिल. तो सेकंड कंपोनेंट क्या है? हीमोसिल. हीमोसिल यानी क्या है? बॉडी कैविटी. जो बॉडी कैविटी कॉकरोच के बॉडी में है वो क्या है? ट्रू सिलोम का एग्जाम्पल नहीं है ये. दिस इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ ट्रू सिलोम. तो हीमोसिल द बॉडी कैविटी ऑफ कॉकरोच विच इज फिल्ड विथ द ब्लड, विच इज अ फिल्ड विथ ब्लड, दैट इज अ कॉल्ड एज हीमोसिल. तो दैट बॉडी कैविटी इज कॉल्ड एज हीमोसिल. तो ये जो हीमोसिल है इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट और थ्री कंपार्टमेंट. कौन कौन से कंपार्टमेंट है? देखो फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन, ये क्या है? दिस इज द टीएस ऑफ बॉडी ऑफ कॉकरोच. बॉडी ऑफ कॉकरोच. इफ वी टेक अ ट्रांसवर्स सेक्शन, अगर ये मेरा कॉकरोच है ऐसा, ये क्या है? कॉकरोच है. अगर मैंने कॉकरोच की बॉडी ऐसे कट की एंड इनसाइड इन द माइक्रोस्कोप विल गेट अ स्ट्रक्चर. तो दिस इज द टर्गा, दिस इज द डॉर्सल काइटिनस एक्सोस्केलेटन, टर्गा है. एंड दिस इज द वेंट्रल काइटिनस एक्सोस्केलेटन, स्टर्ना. समझ आ रहा है? तो द बॉडी कैविटी, ये जो स्पेस है, द स्पेस विच इज अ प्रेजेंट इन बिटवीन अ टर्गा एंड स्टर्ना, इट इज अ बॉडी कैविटी. इट इज अ बॉडी कैविटी. तो ये जो बॉडी कैविटी इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री कंपार्टमेंट. कौन कौन से? बाय मीन्स ऑफ एंड टू इनकम्प्लीट पार्टीशन. एंड दिस टू इनकम्प्लीट पार्टीशन, वन इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द डॉर्सल साइड. तो ये जो डॉर्सल साइड में एक पार्टीशन है, डॉर्सल साइड में एक पार्टीशन है, दैट इज कॉल्ड एज अ डॉर्सल डायफ्राग्राम. डायफ्राग्राम यानी क्या? शीट. एंड दिस शीट इज अ पोरस और परफोरेटेड. इसमें क्या है? बहुत सारे ओपनिंग्स है. तो दिस मेम्ब्रेनस शीट इज अ परफोरेटेड, इट इज प्रोवाइडेड विथ लार्ज नंबर ऑफ अपर्चर्स एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज अ परफोरेटेड. इट इज कॉल्ड एज व्हाट? परफोरेटेड. तो दिस डायफ्राग्राम विच इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द डॉर्सल साइड एंड इट इज कनेक्टेड विद द टर्गा. तो एट दिस पॉइंट इट इज कनेक्टेड विद द टर्गा एट इंटरमिटेंट पॉइंट. समझ आ रहा है? तो डॉर्सल डायफ्राग्राम इज कनेक्टेड विद द टर्गा एंड इट इज परफोरेटेड. इट इज प्रोवाइडेड विद लार्ज नंबर ऑफ ओपनिंग्स एंड थ्रू दिस ओपनिंग द ब्लड कैन गोज इन और आउट फ्रॉम वन चेंबर इन टू द अनादर चेंबर और कैविटी. समझ आ रहा है? चलो आगे चलते हैं. इसके बाद ये जो डॉर्सल साइड में ये परफोरेटेड पार्टीशन है दैट इज कॉल्ड एज डॉर्सल डायफ्राग्राम. सेम वन मोर डायफ्राग्राम इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द वेंट्रल साइड दैट इज कॉल्ड एज अ वेंट्रल डायफ्राग्राम. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस टू डॉर्सल एंड वेंट्रल डायफ्राग्राम द बॉडी कैविटी जो है विच इज अ स्पेस प्रेजेंट बिटवीन टर्गा एंड स्टर्ना इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री कंपार्टमेंट. द फर्स्ट कंपार्टमेंट विच इज प्रेजेंट अराउंड द हार्ट. तो फॉर एग्जांपल ये लाल कलर का क्या है? हार्ट है.
तो हार्ट के अराउंड जो ये कैविटी है, नाउ ही कैविटी में लाल रंग दाखवतोय, ही जी कैविटी आहे याला आपण काय म्हणणार आहे, पेरिकार्डियल सायनस. पेरी म्हणजे काय, अराउंड, कार्डिया म्हणजे हार्ट, अँड सायनस म्हणजे काय, कॅव्हिटी. सायनसचा अर्थ काय, कॅव्हिटी. कॅव्हिटी विच इज अ प्रेझेंट, पेरी म्हणजे अराउंड आणि कार्डिया म्हणजे काय, हार्ट. कार्डिया म्हणजे काय, हार्ट. द कॅव्हिटी विच इज प्रेझेंट टुवर्ड्स द डॉर्सल साइड इन बिटवीन अ टर्गा अँड डॉर्सल डायफ्रॅग्राम, दॅट इज कॉल्ड ॲज पेरिकार्डियल सायनस. समज आ रहा है, दूसरी कॅव्हिटी किधर आहे, द कॅव्हिटी विच इज अ प्रेझेंट बिटवीन अ वेंट्रल अँड डॉर्सल डायफ्रॅग्राम, अँड दिस कॅव्हिटी इज प्रेझेंट अराउंड अ गट अँड विसरल ऑर्गन. विसरल ऑर्गन म्हणजे काय, याच्यामध्ये काय आहेत, बॉडी ऑर्गन आहेत. बॉडी ऑर्गनच्या भोवती किंवा ॲलिमेंटरी कॅनलच्या भोवती जी काही स्पेस आहे, दॅट स्पेस इज कॉल्ड ॲज पेरी विसरल सायनस. सायनस म्हणजे पुन्हा कॅव्हिटी, पेरी म्हणजे अराउंड, विसरल म्हणजे काय, बॉडी ऑर्गनच्या भोवतीची स्पेस आहे त्याला आपण काय म्हणले, पेरी विसरल सायनस और पेरी विसरल कॅव्हिटी. ये दुसरा कॅव्हिटी हो गया. टुवर्ड्स द डाऊन साइड और टुवर्ड्स द वेंट्रल साइड बिलो द वेंट्रल डायफ्रॅग्राम, वेंट्रल डायफ्रॅग्रामच्या खाली तिसरी कॅव्हिटी आहे और स्पेस आहे त्याला मी काय म्हणणार आहे, बघा, दिस इज द वेंट्रल डायफ्रॅग्राम, ये आहे वेंट्रल डायफ्रॅग्राम. वेंट्रल डायफ्रॅग्राम के नीचे जो कॅव्हिटी आहे अराउंड द न्यूरल कॅनल और नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड जो काही आहे कॉक्रोचचा, हा जो नर्व कॉर्ड आहे हा काय, डबल वेंट्रल सॉलिड अँड गँग्लिनेटेड. डबल वेंट्रल दोन आहेत नर्व कॉर्ड, तो दिस टू नर्व कॉर्ड्स आर देअर, दे आर टू इन नंबर, देअर फॉर डबल सॉलिड आहे, त्याच्यामध्ये कॅव्हिटी नाही आहे आणि त्याची पोझिशन काय, वेंट्रल. तो दिस अ डबल वेंट्रल सॉलिड गँग्लिनेटेड नर्व कॉर्ड, याच्या भोवती जी कॅव्हिटी आहे विच कंटिन्यू इन टू द लेग्स, लेग्समध्ये ही कॅव्हिटी काय केली आहे, कंटिन्यू झालेली आहे. तो दॅट कॅव्हिटी इज कॉल्ड ॲज थर्ड कॅव्हिटी, दॅट इज अ पेरी न्यूरल सायनस. म्हणजे डबल वेंट्रल नर्व कॉर्डच्या भोवती जी कॅव्हिटी आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज पेरी न्यूरल सायनस. समजणार आहे. तो सच थ्री कॅव्हिटीज आर प्रेझेंट इन द हार्ट ऑफ कॉक्रोच. तो अलॉंग विथ दिस इन द डॉर्सल टुवर्ड्स द डॉर्सल साइड इन द पेरिकार्डियल सायनस यू कॅन सी द ट्रायंग्युलर मसल्स आर ऑल्सो देअर. तो दीज आर द ट्रायंग्युलर मसल्स, दोज आर प्रेझेंट इन द पेरिकार्डियल सायनस, अँड दीज आर ट्रायंग्युलर मसल्स आर कॉल्ड ॲज ॲलरी मसल्स. दे आर कॉल्ड ॲज व्हॉट, ॲलरी मसल्स. जर फॉर एक्झाम्पल इफ दिस इज अ टर्गा and this is the dorsal diaphragm, this is the dorsal diaphragm and here is your heart. So heart cha bhoti kay, I'll change the color. So around the heart there are 12 pairs of triangular alary muscles are present. So the pointed end of this triangular alary muscle, ha pointed end hai, it is attached with the terga and the broad end is attached with the dorsal diaphragm. So these alary muscles are 12 pairs of alary muscles are there. So these are 12 pair of alary muscles help in a rhythmic contraction and relaxation of heart chamber. So these alary muscles are closely associated with the heart of cockroach. So ye ho gaya kiska description. So this is the description for hemocoel and alary muscle. Is there any doubt, difficulty, bachcho? Ishu Patil, Ghanshyam Gorde, Kailas Gore. Kailas Gore, nice. You got a 72% percentile wo, congratulations each and everyone. Ani ek goshta visru naka, suggest about an academy in your friend circle, tell them to come and join for with an academy for the preparation of MHT CET board and NEET and JEE exam. So definitely they will also get the advantage or benefit from our lectures, je aple lectures live chalu ahet, तर त्या लेक्चर द्वारे त्यांनाही फायदा होईल. श्याम तिवारी, नाईस श्याम, हॅट्स ऑफ फॉर यू दॅट यू गॉट ए 96%. आय एम फिलिंग अ प्राऊड दॅट यू गॉट सच अ नाईस पर्सेंटाइल. चलो, इशू पाटील, कॉंग्रॅच्युलेशन यू ऑल्सो, थँक यू व्हेरी मच. इट इज नॉट ड्यू टू माय गायडन्स, इट इज ओनली ड्यू टू युअर हार्ड वर्क दॅट यू हॅव टेकन फॉर स्कोरिंग अ नाईस मार्क फॉर युअर एक्झाम. कैलास गोरे, खूप दिवसानंतर मला पण आनंद झाला की तुम्ही विद्यार्थी पुन्हा एकदा लेक्चरला आलात. चलो, तो ये सारा हो गया है. इसके बाद दिस इज द साइड व्यू विच इज शोइंग द एग्जैक्ट पाथवे, इसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे. चलो आगे चलते हैं. इसके बाद क्या है देखो, तो ये तो ऑलरेडी हमने
एक्सप्लेन कर दिया है. दिस इज द थियरी दैट आई हैव ब्रॉट फॉर यू एंड ऑलरेडी आई एक्सप्लेन दिस पार्ट इन दिस डायग्राम. समझ आ रहा है? चलो इसके बाद क्या है नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन क्या है? डॉर्सल ब्लड वेसल. डॉर्सल ब्लड वेसल इट इज अ प्रेजेंट इन द पेरिकार्डियल साइनस. डॉर्सल ब्लड वेसल कंसिस्ट टू मेन कंपोनेंट. उसमें एक क्या है? हार्ट है और दूसरा क्या है? एंटेरियर एरोटा. तो हार्ट जो है कॉकरोच का, अभी हम पहले डायग्राम में जाएंगे. चलो विल गो बैक ऑन द फर्स्ट डायग्राम, ये वाला. नाउ विल डिस्कस ऑन द हार्ट ऑफ कॉकरोच. तो हार्ट ऑफ कॉकरोच इज अ मिड डॉर्सल इन पोजिशन. फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा? इट इज अ मिड डॉर्सल इन अ पोजिशन. दूसरा क्या है? हार्ट इज अ टनल शेप. हार्ट कंसिस्ट नियर अबाउट 13 टनल शेप चेंबर्स. टनल शेप चेंबर्स. ईच एंड एवरी चेंबर ओपन इन टू द नेक्स्ट चेंबर. तो इसका पोजिशन क्या है? इट इज अ मिड डॉर्सल इन पोजिशन एंड इट एक्सटेंड फ्रॉम द 9th एब्डोमिनल सेगमेंट अप टू द हेड. अप टू द हेड मीन्स द लास्ट 13th एब्डोमिनल सेगमेंट. 13th एब्डोमिनल सेगमेंट इज अ प्रेजेंट इन द 9th. 13 जो चेंबर है, 13th एब्डोमिनल चेंबर जो है, इट इज अ प्रेजेंट इन द 9th एब्डोमिनल सेगमेंट. एंड द फर्स्ट चेंबर इट इज अ प्रेजेंट इन द थोरैक्स रीजन. हे जे 13 चेंबर्स आहेत, याच्यातले 3 चेंबर्स आहेत फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. दीज फर्स्ट 3 चेंबर्स आर प्रेजेंट इन अ थोरैक्स रीजन. द फर्स्ट 3 चेंबर्स आर प्रेजेंट इन द थोरैक्स रीजन. वेर एज द रिमेनिंग 10 चेंबर्स, आर प्रेजेंट इन अ एब्डोमिनल रीजन. समझ आ रहा है? ईच एंड एवरी चेंबर ओपन इन टू द नेक्स्ट चेंबर. बाय मीन्स ऑफ एन स्मॉल ओपनिंग. तो देखो फॉर एग्जाम्पल दिस इज द वन चेंबर एंड दिस इज द सेकंड चेंबर. हर एक चेंबर क्या हो रहा है? दूसरे चेंबर में ओपन हो रहा है. ईच एंड एवरी चेंबर टूवर्ड्स द डाउन साइड लाइक दिस. दिस इज द 13th चेंबर. दिस इज द 13th चेंबर एंड दिस इज द फर्स्ट चेंबर. समझ आ रहा है? तो ये फर्स्ट चेंबर. द फर्स्ट चेंबर कंटिन्यू इन टू द स्मॉल ट्यूबुलर पार्ट दैट इज कॉल्ड एज डॉर्सल एरोटा. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? डॉर्सल एरोटा. तो ये है फर्स्ट चेंबर. समझ आ रहा है? ये है फर्स्ट चेंबर. ये फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड दिस इज द 13. ईच एंड एवरी चेंबर इज प्रोवाइडेड विथ पेयर ऑफ ओपनिंग्स टूवर्ड्स द लोअर साइड. ये जो पेयर ऑफ ओपनिंग्स है टूवर्ड्स द लोअर साइड दैट इज कॉल्ड एज ऑस्टिया. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑस्टिया. एंड ईच ऑस्टिया इज प्रोवाइडेड विथ लिप लाइक फ्लैप. लिप लाइक फ्लैप जो है दैट इज कॉल्ड एज वाल. ईच एंड एवरी ऑस्टिया इज प्रोवाइडेड विथ लिप लाइक फ्लैप दैट इज कॉल्ड एज वाल. तो हर एक चेंबर में डाउन साइड क्या है? दो ओपनिंग है. तो दीज टू ओपनिंग्स आर कॉल्ड एज ऑस्टिया and these ostia are provided with a lip like a flap that is called as a wall. So these walls keep the opening. These ostia, ko ye kya karte? Band karwa ke rakhte. Kab? When these heart chamber undergo contraction. To ye ostia se kya hota hai? Ostia se jo body cavity hai usme se heart ke chamber ke andar aayega. To ostia provide the opening from where the blood from the body cavity enter into the heart chamber and these walls they prevent the backflow of blood. So ye kya karte hai? They are preventing the backflow of blood. Samajh aa raha hai? So each and every chamber accept or take or receive the blood from the body cavity through the ostia except the last one. Why? Because the last chamber जो है it is not provided with the ostia. Last chamber में ostia क्या है? Ostia are absent on the posterior lateral side on the 13th chamber of heart. Bhavesh, Kailas and others, it's okay. Whatever is the number of student, उससे हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. We are going to concentrate on our topic. तो ऑस्टिया किधर एबसेंट है? ऑस्टिया आर एबसेंट ऑन द 13th नंबर ऑफ चेंबर. अदरवाइज ईच एंड एवरी चेंबर इज प्रोवाइडेड विद द ऑस्टिया.
समझ आ रहा है? तो द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दी चेंबर्स ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ दिस एलरी मसल. तो ड्यू टू द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट चेंबर ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ एलरी मसल द हार्ट इज गोइंग टू पंप ब्लड ऑलवेज इन अ वन डायरेक्शन फ्रॉम पोस्टेरियर टुवर्ड्स द एंटेरियर साइड. तो ये सारे के सारे चेंबर क्या करेंगे, दे आर गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट. पहले एक चेंबर कॉन्ट्रैक्ट हुआ 13 नंबर का, तो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया तो क्या होगा, उसमें जो ब्लड है इट इज गोइंग टू पंप इन टू द 12th नंबर चेंबर. 12th नंबर वाला कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो पंप करेगा ब्लड 11th नंबर चेंबर में. तो लाइक दैट द कंटिन्यूअसली ब्लड इज अ फ्लोइंग टुवर्ड्स द अपर साइड. तो ब्लड फ्लो का डायरेक्शन क्या है, द डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो इज ऑकर फ्रॉम पोस्टेरियर टुवर्ड्स द एंटेरियर साइड, टुवर्ड्स द एंटेरियर साइड और टुवर्ड्स द एंटेरियर डायरेक्शन. तो द फर्स्ट चेंबर विच इज अ प्रेजेंट और विच हैज गेट ओपन इन टू द हेड रीजन, तो दैट फर्स्ट चेंबर ओपन इन टू द हेड रीजन बाय मीन्स ऑफ एन एंटेरियर एरोटा, इट इज गोइंग टू पंप ब्लड इन टू द कैविटी विच इज अ प्रेजेंट इन द हेड रीजन एंड फ्रॉम दिस कैविटी ऑफ अ हेड ब्लड किधर आएगा, द ब्लड इज अ गोइंग, तो ये है ओपनिंग फॉर एंटेरियर एरोटा, दिस इज अ ओपनिंग फॉर एंटेरियर एरोटा. तो ब्लड इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये है हार्ट ऑफ कॉकरोच. तो ब्लड आएगा इस डायरेक्शन में फ्रॉम पोस्टेरियर टुवर्ड्स द एंटेरियर साइड एंड इट हैज गेट रिलीज इन टू द हेड कैविटी. तो ये हेड कैविटी में ब्लड क्या होगा, छोड़ दिया जाएगा एंड फ्रॉम द हेड कैविटी ब्लड, तो हेड कैविटी यानी पेरिकार्डियल साइनस, तो फ्रॉम द पेरिकार्डियल साइनस ब्लड किधर जाएगा, तो वन मोर डायग्राम दैट आई ब्रॉट, देखो तो ब्लड कैसे फ्लो होगा. तो फ्रॉम द हार्ट द प्योर ब्लड है, इट इज अ एंटर इन टू द पेरिकार्डियल साइनस विच इज अ प्रेजेंट इन द हेड कैविटी एंड फ्रॉम हियर द ब्लड एंटर थ्रू दिस परफोरेशन दोज आर प्रेजेंट इन द डॉर्सल डायफ्राम इन टू द पेरिविसरल साइनस. फ्रॉम द पेरिविसरल साइनस ब्लड किधर जाएगा, ब्लड गोज इन टू द पेरीन्यूरल साइनस एंड फ्रॉम पेरीन्यूरल साइनस, तो पेरीन्यूरल साइनस में जाएगा, फ्रॉम द पेरीन्यूरल साइनस ब्लड अगेन कम बैक इन टू द ब्लड अगेन कम बैक इन टू द पेरीविसरल साइनस थ्रू द परफोरेशन दोज आर प्रेजेंट इन द वेंट. फ्रॉम पेरीविसरल साइनस ब्लड अगेन कम बैक इन टू द पेरिकार्डियल साइनस एंड इन साइड इन द पेरिकार्डियल साइनस, ये जो अगर हार्ट चेंबर है तो थ्रू द पेरिकार्डियल साइनस द ब्लड अगेन एंटर इन टू द हार्ट चेंबर. तो दिस इज द पाथ फॉलोड बाय ब्लड ड्यूरिंग देयर सर्कुलेशन. तो ये पाथ है विच इज अ फॉलोड बाय ब्लड ड्यूरिंग देयर सर्कुलेशन. तो इधर से ब्लड किधर जाएगा, तो फ्रॉम द पेरिकार्डियल साइनस पेरिविसरल, उधर से पेरिन्यूरल एंड फिर पेरिन्यूरल से आएगा पेरिविसरल में एंड फिर से पेरिन्यूरल विसरल से पेरिकार्डियल एंड थ्रू द ओस्टिया इट हैज गेट एंटर इन टू द ब्लड हार्ट चेंबर. समझ आ रहा है? तो दिस इज द पार्ट. कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन सत्यम, नाइस, बट कीप वन थिंग इन माइंड कि टेल योर फ्रेंड्स ऑल्सो अबाउट अन एकेडमी. इज दिस क्लियर? तो दिस इज द पाथ फॉलोड बाय ब्लड ड्यूरिंग देयर सर्कुलेशन इन अ कॉकरोच बॉडी. इज दिस क्लियर? तो ये सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. तो डॉर्सल ब्लड वेसल इट इज अ प्रेजेंट इन द पेरिकार्डियल साइनस जस्ट बिलो द टर्गा एंड इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, हार्ट एंड एंटेरियर एरोटा. जो हार्ट है कॉकरोच का उसका लंबाई कितना है, ये जो 13 चेंबर है ये ऐसे 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट 13 चेंबर्स आर देयर. तो हार्ट ऑफ कॉकरोच इज नियर अबाउट 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड इट इज अ लॉन्ग मस्क्यूलर ट्यूब विच इज मेड अप ऑफ 13 टनल शेप चेंबर्स एंड इट हैज गेट एक्सटेंड फ्रॉम द 9th एब्डोमिनल सेगमेंट अप टू द फर्स्ट थोरैसिक सेगमेंट. द फर्स्ट चेंबर विच इज अ प्रेजेंट इन द थोरैक्स रीजन इट हैज गेट ओपन इन टू द हेड कैविटी ऑफ कॉकरोच. मैंने ऑलरेडी कह दिया है कि 13 जो चेंबर है उसमें से 3 चेंबर किधर है, थोरैक्स रीजन में है और 10 चेंबर किधर है, इन द एब्डोमिनल रीजन. इज दिस क्लियर? ईच चेंबर, हर एक चेंबर में क्या है, ईच चेंबर इज प्रोवाइडेड विद अ पेयर ऑफ ओपनिंग्स टुवर्ड्स द पोस्टीरियो लैटरल साइड. उसको हमने क्या कहा है, ऑस्टिया कहा है एंड दिस ऑस्टिया इज प्रोवाइडेड विद अ लिप लाइक वॉल. ईच ऑस्टिया में क्या है, हर एक ऑस्टिया इज प्रोवाइडेड विद अ लिप लाइक वॉल.
टू प्रिवेंट द ब्लैक फ्लो ऑफ ब्लड। एक बार अगर ये वाल्व बंद हो जाता है तो ब्लड फिर से बाहर नहीं जा सकता है थ्रू दिस ऑस्टिया। तो ये वाल्व क्या कर रहा है, दिस वाल्व प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट चेंबर बैक टू द बॉडी कैविटी। समझ आ रहा है? तो ये वाल्व क्या कर रहे हैं, दे आर प्रिवेंटिंग द बैक फ्लो ऑफ ब्लड ड्यूरिंग अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट चेंबर। समझ आ रहा है? तो दिस इज अबाउट द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। तो ये हमने डिटेल में देखा है, उसके बाद ये डायग्राम मैंने एक्सप्लेन की है, उसके लिए दे चलो। तो हीमोसिल, हीमोसिल तो मैंने कहा है, हीमोसिल द बॉडी कैविटी ऑफ कॉकरोच, दे आर थ्री नंबर। तो तीन बॉडी कैविटी कैसे बनती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू डायफ्रैग्राम, डॉर्सल एंड वेंट्रल, एंड बोथ दिस डायफ्रैग्राम आर थीन पोरस। पोरस यानी इसके ऊपर क्या है, ओपनिंग्स है, देयरफॉर इट इज अ पोरस, एंड इट इज अ मेड अप ऑफ फाइब्रोमस्कुलर टिश्यू। इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, फाइब्रोमस्कुलर टिश्यू। तो दिस अ थीन पोरस फाइब्रोमस्कुलर सेप्टा, दे आर टू इन नंबर, एक ऊपर की तरफ है दैट इज अ डॉर्सल डायफ्रैग्राम, और एक नीचे की तरफ है दैट इज अ वेंट्रल डायफ्रैग्राम, एंड बोथ दिस अ डॉर्सल एंड वेंट्रल डायफ्रैग्राम दे आर अटैच। Dorsal diaphragm, it is attached with the targa along the lateral side at an intermittent point. समझ आ रहा है? And ventral diaphragm जो रहता है, the ventral diaphragm, it is attached with the sternum at an intermittent point. And due to presence of these two diaphragm, dorsal and ventral, the body is divided into three cavities. एक है pericardial sinus, ये पहला वाला around heart, दूसरा है अराउंड एलिमेंट्री कैनल और बॉडी ऑर्गन, दैट इज अ पेरिविस्ट्रल साइनस, एंड तीसरा क्या है, अराउंड वेंट्रल डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, उसके अराउंड जो कैविटी है दैट इज कॉल्ड एज पेरी न्यूरल साइनस। यानी तीन कैविटी है, एक क्या है पेरिकार्डियल अराउंड हार्ट, दूसरा है पेरिविस्ट्रल, एंड तीसरा क्या है पेरी न्यूरल साइनस। समझ आ रहा है? तो ये तीन कैविटी है, द पेरी न्यूरल साइनस, it is a continue into the leg cavity, the perineural sinus around the double ventral nerve cord, and it has get a continue into the legs also. ye humne dekha hai, and all these three sinuses, ye jo sinuses ka matlab kya hai, sinuses ka matlab hai sinus, yani kya hai, cavity or space. ye jo tino jo cavity hai, they are connected with each other by means of an perforations, those are present on the diaphragm. तो दे आर कम्युनिकेटेड विथ ईच अदर थ्रू द पोर्स। पोर्स मीन्स वॉट, ओपनिंग्स। पोर्स क्या है, ओपनिंग्स है। तो थ्रू दिस ओपनिंग्स ऑल दीज थ्री कैविटीज दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। तो देखो मैंने ये दिखाया है इन दिस डायग्राम, तो दीज आर द ओपनिंग्स प्रेजेंट इन दिस परफोरेटेड डायफ्रैग्राम। तो इससे पेरिकार्डियल पेरिविसरल से और पेरिविसरल पेरी न्यूरल से कनेक्ट रहता है। इससे पेरिकार्डियल से ब्लड किधर जाएगा, पेरिविसरल में, पेरिविसरल से जाएगा पेरिन्यूरल में, और वहां से वापस ऐसे आएगा। तो ये जो बैक फ्लो ऑफ ब्लड है ये मैं दिखाता हूं ब्लू कलर में, बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम पेरिन्यूरल, इट अगेन कम बैक इनटू पेरिविसरल, पेरिविसरल से आएगा पेरिकार्डियल में, एंड पेरिकार्डियल से ऑस्टिया से होते हुए ये किधर जाएगा, इनसाइड इन द हार्ट चेंबर। समझ आ रहा है? तो ये है करेक्ट पाथवे ऑफ ब्लड। समझ आ रहा है? Is there any doubt, difficulty? So this is about the blood circulatory system of cockroach. So if you definitely like the today's session, and if you want to listen me more, yeah, or if you want to join an academy for the preparation of your HSC board exam as well as for your CET, NEET and JEE, then download the an academy learner app. So an academy learner app download kara from the Play Store, free hai. त्यानंतर डू द लॉग इन बाय यूजिंग युअर मेल आय डी, मेल आय डी वापरायचं आहे, तुमचा मोबाईल नंबर वापरायचा, लॉग इन करायचं आहे, अँड देन सिलेक्ट द गोल MSTCET, अँड देन सर्च माय नेम किरण सुरेश कोलते, देन डू द फॉलो करा माझं नाव, म्हणजे मला फॉलो करायचं आहे, त्यामुळे तुम्हाला माझ्या पुढच्या भविष्यात जे लेक्चर येतील त्याचे नोटिफिकेशन मेसेजद्वारे तुम्हाला मोबाईलवर मेसेज येतील। लेक्चर कधी आहे, त्याची वेळ कधी आहे, तुम्हाला ज्या लेक्चररचं लेक्चर ऐकायचं आहे त्याला फॉलो करायचं आहे, त्यामुळे तुम्हाला त्याच्या पुढच्या लेक्चरचे नोटिफिकेशन मिळतील। आणि त्याचबरोबर यू कॅन सी द प्रिवियस रेकॉर्डेड सेशन्स ऑल्सो, रेकॉर्डेड व्हिडिओ लेक्चर्स ऑल्सो, जे काही पहिले लेक्चर झालेत
ते तुम्ही रेकॉर्डेड पाहू शकता. त्याचे रेकॉर्ड्स अनअकॅडमी प्लॅटफॉर्मवर तुम्ही कधीही पाहू शकता. ते रेकॉर्ड्स कायम उपलब्ध आहेत. असं नाही की ते आपल्याला पाहता येणार नाही, तर त्याचे लेक्चर्स तुम्ही झालेले पाहू शकता. देन यू विल गेट अ तिकीट टू अटेंड ऑल द फ्री स्पेशल क्लासेस लेक्चर फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथ्स अँड बायो. जे विद्यार्थी नवीन आहेत त्यांच्यासाठी मी हे सांगतोय. त्यानंतर इफ यू वॉन्ट टू जॉईन द अनअकॅडमी बाय टेकिंग अ प्लस सबस्क्रिप्शन, जर तुम्हाला डिटेल सिलेबस शिकायचा असेल पूर्ण थेअरी टॉपिक बाय टॉपिक जसा वर्गात शिकवला जातो क्लासमध्ये शिकवला जातो तसंच प्लसवर आपण तो सिलेबस शिकवतो, तर त्यासाठी तुम्हाला काय करायचं आहे, यूज दिस रेफरल कोड दॅट इज अ किरण लाईव्ह फॉर गेटिंग अ 10% डिस्काउंट. इफ यू डेफिनेटली लाईक देन सबस्क्राईब अवर चॅनल अँड देन डाउनलोड द अनअकॅडमी लर्नर ॲप. टेल युअर फ्रेंड्स, शेअर द व्हिडिओ लिंक इन युअर फ्रेंड सर्कल. इज इट क्लिअर? थँक यू व्हेरी मच अँड कम अँड जॉईन अनअकॅडमी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ युअर बोर्ड एक्झाम, युअर सी टी एक्झाम, युअर नीट एक्झाम अँड युअर जे डबल ई एक्झाम. आवर टार्गेट इज वी आर डेफिनेटली गोईंग टू क्रॅक ईच अँड एव्हरी एक्झाम. आवर टार्गेट इज क्रॅक द बोर्ड, क्रॅक द सी टी, क्रॅक द नीट अँड क्रॅक द जे डबल ई. ओनली यू हॅव टू कम विथ द अन अकॅडमी. इफ यू लाईक देन सबस्क्राईब फॉर मोर लेक्चर्स, फॉलो अँड शेअर. And already we started our lectures on plus subscription. Every Monday we are starting a new course. So come and join on an academy by taking a plus subscription. Use this referral code for getting 10% discount. Thank you very much. Bye bye and have a nice remaining day.